हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नजरानास किचन। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। ये हमने 2 किलो गाजरों को छील के धो के काट के रख लिए हैं। अब हम कुकर में 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और उसमें 4 हरी इलायची डाल देंगे। हरी इलायची चटक जाने के बाद इसमें गाजरों को अच्छी तरह से डाल के मिला लें। अब इसमें 1 कप दूध डाल देंगे और ढक्कन बंद करके कुकर में 1 सीटी लगा लेंगे। 1 सीटी लगाने के बाद गाजर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसको हम कढ़ाई में पलट लेंगे और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। गाजर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इसमें लगभग 1 कप चीनी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब फुल आंच पे गाजरों का पानी सुखा लेंगे। पानी सूख जाने के बाद इसमें कटे हुए काजू बादाम डालेंगे और लगभग 1/2 कप कद्दूकस किया हुआ खोया डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। गाजर का हलवा पक के तैयार हो चुका है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।